गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सभी? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:30। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज, जैसे कि आप सबको पता ही है, थोड़ी लाइट जलाती हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज लास्ट नवरात्र है और कंजके जीमेंगी आज। और फिर क्या होता है कि जल्दी इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि फिर कंजके जो है ना वो मिलती नहीं है। मतलब आज के दिन बड़ा वो रहता है कि हमारे आ जाओ, हमारे आ जाओ, पहले हमारे आ जाओ, तो वो वाला हिसाब रहता है। तो इसलिए जल्दी जिमानी पड़ती है, वरना फिर वो दूर दूर निकल जाती हैं। तो इस वजह से मैं उठ चुकी हूँ अभी और मम्मी भी उठ चुकी हैं, मम्मी नीचे हैं अभी। और मैं फटाफट से अपना काम शुरू करती हूँ और फिर वरना लेट हो जाएंगे। और अभी बस मैं नहा के कह रही हूँ, अभी उठी हूँ, जस्ट मुँह धोया है और मैं गैस वैस साफ करके और अपने चने वने रख के फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर उसके बाद कुछ काम करूँगी, है ना। तो आती हूँ मैं गैस। चलो फिर फटाफट शुरू करते हैं वरना लेट हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, झाड़ू वाड़ू लगा के मैं सीधा नहाने चली गई थी क्योंकि फिर मैं लेट हो जाती। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे, मतलब काले चने, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाऊँ, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी अच्छे से। और आप देख ही सकते हो कि मैंने बाल वाल अपने मैंने ऐसे बांध के गई थी। आज सर नहीं धोया क्योंकि मंगल था, वैसे मैंने सोमवार को सर धो लिया था। तो बस यही काम कर रही हूँ मैं अभी, जल्दी जल्दी फटाफट करके फिर हम खाने की तैयारियाँ करेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी और बस मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, माता रानी का। बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। कानों में नहीं पहने क्योंकि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो हैप्पी नवरात्रि। सो गाइज, चलो फिर चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी तो वॉल्यूम नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ऊपर से वॉल्यूम डाल दिया मैंने। और गाइस, फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने फटाफट से टमाटर फ्रिज में से निकाले, फिर उनको वॉश करके और मैं एक एक करके 2-3 टुकड़ों में टमाटर को काट के मैंने जार में डाल दिया पीसने के लिए। और इसी में ही मैंने हरी मिर्च धो के डाल दी थी क्योंकि मैंने कहा थोड़ा पेस्ट बना के ही मैं भूनूंगी। उसके बाद मैंने टमाटर और मिर्च को दोनों को एक साथ में पीस लिया। और फिर जो मेरे आलू थे, तब तक मेरा मसाला पक रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने आलू ठंडे कर देती हूँ क्योंकि मैंने वो निकाल ही नहीं थे तब तक। तो मैंने उनको निकाल के बाहर जो मेज पे मैंने पंखा चला के वो सूखने के लिए रख दिया ताकि वो अच्छे से सूख जाएँ और फिर मेरे हाथ भी ना जले उनका छिलका उतारते वक्त। इसीलिए मैंने उनको छलनी में कर दिया था कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और आलू मेरे ठंडे हो जाएंगे। तो तब तक मैंने सोचा कि जब तक मेरे आलू ठंडे हो रहे हैं, उनका पानी नहीं चढ़ रहा है, तो मैं अपना जो कुकर है वो धो के मैं उसमें तेल वेल चढ़ा देती हूँ ताकि जब तक मेरा तेल होगा तब तक मैं अपने आलू छील लूँगी। फिर मैंने सब्जी छौंकने के लिए तेल चढ़ा दिया और अपनी चिमनी भी चला दी। उसके बाद मैंने अपनी किचन साफ़ करी जो कि बहुत गंदी सी हो रही थी। तो जब तक मेरा तेल हो रहा था तब तक मैंने अपने आलू छील लिया। आलू छीलने के बाद मैंने उनको ठंडा करने के लिए रख दिया और ठंडे तो वो हो ही गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं मसाला भून लेती हूँ उसके बाद ही डालूँगी। तो गाइस, फिर मैंने फटाफट मसाला भूना अपना और उसमें सारे अपने मिर्च मसाले जो भी होते हैं डाल दिए। लग बिना माँ के तो बिना लहसुन प्याज की होती है तो बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है। और उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी छौंकने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना बर्तन धो लेती हूँ। तो बर्तन धोने के लिए गाइस मैंने अपने कपड़े चेंज सूट उतार दिया क्योंकि उसकी बाजू वैसी थी ना, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो लटकन होती है ना वो सारी गीली हो जाती। तो मैंने कहा 2 मिनट के आलस की वजह से क्यों मैं सूट अपना गंदा करूं, तो इस वजह से मैंने सूट उतार दिया था। मैंने कहा फिर से जब कन्नी चुकाऊँ को खाना खिलाऊंगी ना तब पहन लूंगी, तो इसी वजह से मैंने सूट चेंज करके बर्तन धोए। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उसकी बाजू थोड़ी सी वैसी है और फिर आगे से पूरा सूट गीला हुआ था, चेंज कर लूँगी। तो अभी सारा काम हो गया है, बस यहाँ पे हलवा बन रहा है। ये हलवा मम्मी बना रही है, बस वो अभी नीचे गई हैं, ठीक है। और
यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई क्योंकि मुझे इसमें घी डालना है, इसमें माँ की अठावड़ी निकालेंगे और उसके बाद फिर ठीक है। और ये मैंने आटा लगा लिया यहाँ पे और सब्जी भी मेरी बन के तैयार है ठीक है। और ये दूध छान दिया मम्मी ने, अब मैं माता रानी की पूड़ियाँ निकाल दूँ जो अठावे निकलती है, उसके बाद फिर हम कंचो को बुलाएंगे। मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी और फिर उनको बुलाएंगे ठीक है। सो गाइस बस मैं पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, उधर मम्मी पूजा कर रही है और मैं फटाफट से बस माँ की अठावड़ी निकालूँ पहले। पूजा हो गई है, मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे और मैंने कंजकों के लिए बिछा दी है। और ये देखो पहली प्यारी सी कन्या आ भी गई है, हाय कर दो। नर्वस हो रही है थोड़ी सी, आ जाओ बच्चों जल्दी जल्दी। आरू भी आई है, मिस्टी भी आई है, हेलो हाय मिस्टी, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय ओहो स्कल आप भी हाय बोलो। चलो पैसे मिलेंगे मिस्टी, आपको बैठना पड़ेगा उधर, चलो अपनी सीट पे बैठो, गो। और दो तीन भी आप पकड़ कर। हाँ सात आठ तो हूँ, तीन तो लड़के हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, लौकड़ी आओ तो चलो बैठो। मिस्टी पैसे नहीं मिलेंगे फिर, आज ही पैसे नहीं देगी, आओ नहीं देगी, आज ही कह रही है देगी। बैठो अभी जब सब आ जाएंगे तब बैठ जाएगी, कोई बात नहीं। गाइस कन्या पूजन हो गया अभी और पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से और अभी मैं ये थोड़ा सा साफ कर दूँ यहाँ से और फिर मेरे को चाय बनानी है उसके बाद, तो चलो पहले हम ये कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे पापा जी आ गए थे ड्यूटी से, पापा सुबह ही आते हैं और वो चाय का वेट कर रहे हैं, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और बस फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे जो मैंने चादरें बिछाई थी वो मैं समेट लेती हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मेज आएगी फिर इस वजह से, और मैंने जल्दी जल्दी सारी यहाँ से क्लीन कर दिया ताकि पापा चाय पी लें। गाइस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे ठीक है। तो गाइज़ उसके बाद फिर हमने चारों ने बैठ के मैंने मम्मी ने और विशाल जी ने खाना खाया। मम्मी अपना हलवा खा रही थी, पापा चाय पीते थे और मैं और विशाल जी खाना खा रहे थे क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैंने कंचों खिलाने के बाद ही मैं अपनी चाय पी रही हूँ। सो गाइस खाना वाना हो गया अभी, बस मम्मी खा रही है और अब मैं अपनी किचन साफ कर दूँ, बस बर्तन धो दूँ, मैं उसके लिए मेरे को सूट चेंज करना पड़ेगा वरना सारा गीला हो जाएगा, क्योंकि इसकी बाजू थोड़ी वैसी है ना, मैं चेंज कर लेती हूँ। सो गाइस बर्तन धो गए सारे, वो देखो इसलिए सूट चेंज किया था मैंने, मुझे पता था कि गीला हो जाएगा, देखो गीला हो गया टी शर्ट, अब विशाल के साथ थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी, दो बार पहन चुकी सुबह से। सो गाइस अभी मैं पूजा कर रही हूँ, शाम हो गई है और अभी मैं और विशाल जी मार्केट जा रहे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ, बर्तन वर्तन मैंने धो दिए, अब बस मैं मंदिर में बैठी हूँ पूजा करके, फिर उसके बाद चलेंगे ठीक है, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। सो गाइस ये ना स्कूटी की राइड मुझे बड़ी अच्छी लगती है सच में, मतलब गाड़ी में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बच के आराम से निकल जाते हैं। हाँ और स्कूटी से क्या है कि ट्रैफिक से भी बच के निकल जाते हैं और जो ठंडी ठंडी हवाएं लगती है ना, भाई मैं उसे सच्ची बता रही हूँ, मैं गाड़ी से ज़्यादा मुझे बाइक पे मज़ा आता है, बाइक हो स्कूटी हो, हम तो मोस्टली स्कूटी से ही आते हैं। और फिर एक दो किलोमीटर के लिए क्या बहुत गाड़ी वाड़ी यार, वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं रोड में जा रहे हो तो वहाँ फंसे रहे, अपने आस पास में तो हम गाड़ी से नहीं जाते, गाड़ी यार बार बार निकालना बड़ा आलस आता है सच में, और फिर वापस उसको ढकना, कवर ढकना उस पर बड़ा झंझट है, तो
तो इसलिए हम मुझे तो सच में ना सच्ची में मेरा तो गाड़ी में मेरा बैठने का भी मन नहीं करता, लेकिन हाँ कहीं दूर जाने तब तो बात अलग है, लेकिन बाइक पे जाओ यार हवा चलती हुई यहाँ सब कुछ दिखता रहता है, मज़ा आता है सच में। अभी हम सेंट्रल मार्केट जा रहे हैं, बिल्कुल आई हूँ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। आज दिखाते हैं, आज हम जा रहे हैं मिनरवा की शॉपिंग सेंटर पर, मिनरवा की तो दिखा रखते हैं शायद या नहीं। तो गाइस मार्केट का काम खत्म करके मैं और साल वाले पानीपुरी वाले इसलिए अगर पानीपुरी मेरे फेवरेट है ना हमेशा ही मुँह के साथ बहुत टेस्टी बनने चाहिए। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर और बस अब मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि 8 बज के भूख लग रही होगी। ठीक है आटा निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। फिर स्कूल ले निकाल देती हूँ बाहर, सुबह मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद में रोटी वोटी का सारा काम ख़त्म हो गया था, फिर मैंने सोचा मैं अपनी किचन साफ कर लेती हूँ, तो जो तेल बचा हुआ था जिसमें मैंने पूरियाँ उतारी थी तो मैंने सोचा कि यार कढ़ाई रखी है, बर्तन घिरे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता किचन में बड़ी, क्योंकि साफ़ सुथरी खाली किचन ही अच्छी लगती है, तो इस वजह से कढ़ाई रखी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो तेल मैं उतार देती हूँ, फिर मैंने इसको छान के इसकी मैंने अपनी ऑयल वाली बॉटल में डाल दिया और मैंने पूरी पूरी किचन साफ कर दी। तो गाइस मुझे पता है अभी थोड़ा सा मेरा ऐसे ही व्लॉग्स आ रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा, और इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे प्रैंक आने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं पहली बार आपसे कह रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो ज़रूर कर देना ठीक है। और अभी बस मेरा काम ख़त्म करके फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ।